नमस्कार, श्रम समाचार में आपका स्वागत है। इस वर्ष नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में जिन्हें मिला है उनके बारे में चर्चा करना है। वो वैश्विक असमानता क्यों, वैश्विक असमानता क्यों, ये विषय रहा और इसके ऊपर मिला है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में। ये स्वीडन के रहने वाले अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार संस्था शुरू किया गया और इस नोबेल पुरस्कार का स्थापना 1968 में किया गया। और उस समय ये सिर्फ विज्ञान के ऊपर, फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर जो रिसर्च बायो में आते थे उनके ऊपर दिया जाता था, लेकिन 69 में ये महसूस किया जाने लगा कि हमको अर्थशास्त्र के ऊपर भी देना चाहिए। तो अर्थशास्त्र पर 1969 में इन्होंने स्वीकार कर लिया प्रस्ताव में और अर्थशास्त्र पर आ गया। और ये नोबेल पुरस्कार में $11,00,000 नगद राशि दी जाती है। यानी इस ये पुरस्कार जिसे मिलता है उस व्यक्ति को $11,00,000 नगद राशि दी जाती है। अब ये शांति पर भी दिया जाता है, अर्थशास्त्र पर भी दिया जाता है। दो अर्थशास्त्री का आप देखिए, 24 में जिनको मिला है उनका अर्थशास्त्री का नाम क्या है, डेरेन एस मोगालू, डेरेन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए राबिन्स। ये तीन लोगों को वैश्विक असमानता के ऊपर मिला है। अब जैसे देखिए कि बगल में एक देश है भारत, बगल में पाकिस्तान है, तो एक देश तरक्की करता है, एक देश तरक्की नहीं कर पाता है। सब जलवायु एक ही है, सब कुछ सेम है, फिर क्यों नहीं विकसित करता है, टॉपिक यही था। और इसके पहले भी जो हम वीडियो बनाए हैं दिए हैं कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है, वही सब कारण है, तो उसी कारण के ऊपर इनको भी मिला है। अभी उल्लेख कर दें, इसके पहले अर्थशास्त्र में भारत में एक पुरस्कार मिला था और अभी बांग्लादेश में एक पुरस्कार अर्थशास्त्र में मिला प्रोफेसर यूनुस को। और काफी उनके बारे में स्वाभाविक है, बड़ा पुरस्कार है। और ये जो देश देती हैं या जो ये इसके मार्गदर्शक मंडल में है उनका भी अपना एक उसके ऊपर लंबी रणनीति रहती है कि किस घोड़े को देना है, आगे यूज होंगे। तो आप देखिए, ये अर्थशास्त्र पुरस्कार प्रोफेसर यूनुस को मिला और आज वो कितने महान अर्थशास्त्री हैं कि जो आरक्षण से आंदोलन शुरू हुआ, वो आंदोलन, हिंदुओं की हत्या और बांग्लादेश का अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, उनको अर्थशास्त्र में पुरस्कार है। मेरा व्यक्तिगत निवेदन होगा कि इस तरह के जो भी व्यक्ति को आप पुरस्कार देते हैं तो लौटाने के भी उसमें व्यवस्था होना चाहिए। आपने तो देश में हत्या करा दिया, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चौपट करा दिया, फिर नोबेल पुरस्कार का क्या माने रहता है। तो और भारत में भी एक साहब को मिला है, तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। नोबेल पुरस्कार आपको बताया 1968 में शुरू हुआ और 69 में इसमें अर्थशास्त्र को जोड़ा गया और 24 में ये तीन श्रीमान जी लोगों को अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला है। नमस्कार, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।